स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। गजेंगे को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है सिर्फ यहीं पर है। हर इंसान के पास कोई ना कोई विशिष्टता होती है और उन्हें हम टैलेंट कहते हैं। वो ये जो टैलेंट है वो हर व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि भगवान बेकार में कुछ भी नहीं बनाता, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन स्कूल वालों को यही बात कौन समझाए? जी हाँ, स्कूल, वही स्कूल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप और मैं पढ़ते हैं। जी हाँ, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एजुकेशन का बिजनेस होता है, और साथ ही टैलेंट की वहाँ कोई वैल्यू नहीं होती है। उन्हें एक तरीके से समझिए, सबसे पहले तो जो स्कूल होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होते हैं डिग्री। जी हाँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व डिग्री और दूसरे के जो एक दूसरे स्टूडेंट के जो परसेंटेज है उसे उसी परसेंटेजेस को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, और साथ ही इससे ये अनुमान और ये लगाया जाता है कि कौन कितना टैलेंटेड है। लेकिन सबसे पहले ये इस बात को समझने से पहले सबसे पहले एक बात सुनिए जो आल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो एक मछली है जो पानी में तैर सकती है, ठीक है, अगर आप उसे पेड़ पर चढ़ाओगे तो वो नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उसका जो वह जो टैलेंट है वो पानी में तैरना है, ना कि पेड़ पर चढ़ना। तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ जाए। जिन लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट है उनके लिए तो स्कूल एकदम सही जगह है, लेकिन जिनके पास पढ़ाई के अलावा और कुछ टैलेंट है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी, संगीत या कुछ और, तो उन लोगों का क्या मतलब? वहाँ पर स्टूडेंट के फ्यूचर का जो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, उसके करियर को कोई ध्यान में नहीं लेता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री को इम्पोर्टेंट माना जाता है और डिग्री को ही महत्व दिया जाता है, और एजुकेशन का बिजनेस बनाया जाता है, और जो कि आप कहते हैं शिक्षा का व्यापार कह सकते हैं। साथ ही जो मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल जाना कोई गलत बात नहीं, बट जो स्कूल में जो हम जा रहे हैं तो डिग्री के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज या फिर कुछ सीखने के लिए हम जा रहे हैं, ना कि डिग्री के लिए। और वो जो डिग्री मिले है उसका सही इस्तेमाल और उसका सही जो माध्यम जो उसका उपयोग करने का सही तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, और जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो लाइफ में कहीं भी कोई भी उपयोगी नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही वहाँ पर टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्कूल में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पर स्टूडेंट के भविष्य को लेकर कोई नहीं है, बट सभी को अपना ही फायदा देखने को मिलता है। और हर कोई जो मैं ये नहीं कह रहा सारे जो कि सारे एजुकेशन में ऐसे ही होते हैं सभी स्कूल, बट कुछ के स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टैलेंट को वैल्यू दी जाती है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है स्कूल के नाम पर। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।